नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप .com आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 6 अक्टूबर सन 2021 आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण कृषि उपज सोयाबीन, कपास और प्याज, शेयर बाजार में होने वाली हलचल और नॉन एग्रो कमोडिटीज में क्या होगी संभावनाएं। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान गौर कीजिएगा। शेयर बाजार हो या कमोडिटी बाजार, एग्रो जींस में आप बाजार ऊपर जा रहे हैं लेकिन अभी आपको नुकसान हो रहा है तो कोई फायदा नहीं। बाजार नीचे जा रहे हैं लेकिन आपको फायदा हो रहा है, वो महत्वपूर्ण है। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। लेकिन 12 से 2 बजे के बीच में रखिए आप अतिरिक्त सावधानी, अन्यथा आया हुआ फायदा नुकसान में कन्वर्ट हो सकता है। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि आपके लिए दिन आज शायद मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, बड़े सौदों से बचें और एक बार लिए गए निर्णय को पुनः जांच लें, नहीं तो बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। 4 से 5 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि वायु तत्व की राशियां हैं, मिश्रित रूप की संभावनाएं नजर आ रही हैं आप, लेकिन आप कुल मिला के मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यदि एनसीएक्स में काम कर रहे हैं तो 7 से 8 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 यानी जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आज दिन निश्चित रह सकता है, एक कदम आगे एक कदम पीछे, लेकिन कुल मिला के मुनाफा कमाने की स्थिति में रहेंगे। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान एवं खतरे के घंटे, अब क्या संभावना बनेगी एग्रो कमोडिटीज। दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही आपको अग्रिम आगाह, अग्रिम अलर्ट देने का काम करती है, चाहे वो मानसून हो या शेयर बाजार हो, एग्रो कमोडिटीज हो। आज हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं कॉटन यानी व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड के ऊपर गौर कीजिएगा, लगभग 6 महीने पहले मार्केट टाइम्स के इसी चैनल पे हमारा एक विशेष इंटरव्यू कपास के ऊपर हुआ था और हमने आपको यही कहा था कि इस साल 2021 की जो यदि कमोडिटी मानी जाए तो वो कपास की हो सकती है और कपास के अंदर यानी कॉटन के अंदर जबरदस्त तेजी दिखाई दी। और विशेषकर याद रखिएगा, हमने आपको ये भी बताया था कि कपास के अंदर सितंबर माह बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट लेके आएगा, अगस्त महीने के अंदर और अगस्त सितंबर महीने के पहले या 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। एक तरफा गिरावट की दर्ज हो सकती है लेकिन उसके बाद बाउंस बैक करेगा, ऐसा ही कुछ बाजारों में देखने को मिल रहा है। कॉटन की तेजी की मेन मकसद और मेन वजह बताई जा रही है कि कपास उत्पादक जो क्षेत्र हैं, चाहे वो गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, वहां पे तेज बरसात से कपास की फसल को बहुत बहुत ज्यादा नुकसान की खबरें मिल रही हैं। इसके अतिरिक्त कपास के फसल में रोग भी बताया जा रहा है जिससे अच्छे कपास की जो पैदावार है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है और यही वजह है कि जबरदस्त तेजी पिछले लगभग 20 दिन के अंदर कपास में देखी गई। 15 से 20% की एक तरफा बड़ी तेजी कपास के अंदर दर्ज हुई। गौरतलब है कि इसका साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर हमने चर्चा करते हुए आपको बार बार अलर्ट दिया था कि जुलाई अगस्त संभवतः दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए मुफीद नहीं रहे और औसत से कम बरसात रहे। ऐसा ही कुछ हुआ, 30% से कम बरसात अगस्त महीने में दर्ज हुई जो कि मौसम विभाग की अग्रिम भविष्यवाणी के बिल्कुल विपरीत थी, जिसको जबकि मार्केट टाइम्स टीवी के विशेष एपिसोड्स के अतिरिक्त हम लगातार आपको अपडेट देते रहे कि दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर माह के अंदर बहुत तेजी से एक्टिवेट होगा और एक्सेस बरसात होगी यानी उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 35% अधिक बरसात सितंबर माह में दर्ज हुई। इसका नकारात्मक प्रभाव खड़ी फसलों पर पड़ा और उसमें कपास एक बहुत महत्वपूर्ण है और कपास ने एकदम से सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के बाद में जो तेजी दिखाई और वो कपास के कारोबारी जिन्होंने माल खरीदा था उनको मालामाल किया, लेकिन जो बड़ी मंदी की अपेक्षा कर रहे थे, चाहे वो कपास है या कपास खली है या कॉटन सीड ऑयल है, उनको बड़ी निराशा हाथ हुई और उनको बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा। तो दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी अक्सर आपको सही निर्णय लेने में मददगार साबित होती है, जिसका लाइव एग्जाम्पल कपास आपके सामने है जो कि सफेद सोना है। अब कपास में क्या संभावनाएं बन सकती हैं? कॉटन के अंदर कपास के अंदर बहुत बड़ी मंदी की संभावनाएं संभवतः नहीं है और ये व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना संभवतः 2021 की ईयर ऑफ द कमोडिटी बनने में पूर्ण सक्षम नजर आ रही है। दोस्तों, इसके बाद महत्वपूर्ण फसल सोयाबीन पे कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रोमनी गुरु .com की तरफ से मैं आपको पुनः याद दिलाता हूँ
पुनः आपसे बात बताता हूँ कि सोयाबीन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यदि हम सोयाबीन को देखें तो लगभग जुलाई से लेके और सितंबर का जून तक, पिछले 2020 जुलाई से जून 2021 तक सोयाबीन में लगातार तेजी दर्ज हुई और ये लगभग 123% की बड़ी तेजी एमसीएक्स पे नजर आई और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑयल सीड के अंदर सोयाबीन ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन अगस्त और सितंबर महीने का, यानी 2021 का अगस्त और सितंबर माह सोयाबीन के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं रहा और ये लगभग 50% ऊपरी स्तरों से सोयाबीन के भाव राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर फिसल गए, लुढ़क गए और बुरी तरह से बेताशा मंदी देखे गए। इसका अग्रिम अनुमान भी हम आपको लगातार दे रहे थे कि याद रखिए कि सोयाबीन के अंदर सावधान सावधान सावधान। उम्मीद है दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। याद रखिए ये चैनल विशेषकर उन कारोबारियों के लिए है, मंडी कारोबारियों के लिए है, किसानों के लिए है जो अग्रिम अनुमान लगाना चाहते हैं व्यापार व्यवसाय का। सोयाबीन के अंदर अब आगे वाली क्या संभावना बन सकती है? सोयाबीन की लगभग जो भारतीय फसलें हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स है, उसके अंदर बड़े नुकसान की संभावनाएं जताई जा रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या राजस्थान के कुछ इलाके जहां पे सोयाबीन की पैदावार होती है, उसके अंदर अलग अलग सूचनाएं मिल रही हैं। कुछ इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और कुछ इलाकों के अंदर अच्छी फसलें भी दिखाई दी गई हैं। लेकिन कुल मिला के सोयाबीन के अंदर अब आगे संभव है बहुत बड़ी मंदी की संभावनाएं कम नजर आ रही है। यदि आप और देखें 10-20% सोयाबीन की गिरावट हो, ऐसी संभावनाओं से मैं इनकार करता हूं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इसके बिल्कुल समर्थन नहीं करती है। लेकिन तेजी आएगी, तेजी के साथ साथ में मंदी भी आएगी, इसके लिए हमारे विशेष एपिसोड इसी चैनल पर देखते रहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण उपज जो हर कारोबारी के अतिरिक्त हर आमो खास की है वो है प्याज। कर्नल अजय सीईओ अजय astromoneygroup.com की तरफ से मैं प्याज के ऊपर भी अपना अग्रिम अनुमान आपके लिए प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों आपको याद होगा मार्केट टाइम्स टीवी के ऊपर प्याज के ऊपर हमारी एक विशेष एपिसोड टेलीकास्ट हुई थी और उसके अंदर हमने यही कहा था कि प्याज के अंदर संभवतः कमजोरी रहे, लेकिन सितंबर मंथ बहुत महत्वपूर्ण होगा, अक्टूबर माह बहुत महत्वपूर्ण होगा प्याज के कारोबारियों के लिए। जो जबरदस्त गिरावट प्याज के अंदर देखी गई थी सितंबर माह से पहले, सितंबर मंथ के अंदर प्याज के अंदर जबरदस्त तेजी में कन्वर्ट हुई। 10-12 रुपए वाला जो प्याज था वो लगभग 30-32 तक बिक रहा है। इसका अग्रिम अनुमान हमने मार्केट टाइम्स टीवी पर दिया था, ये इसके ऊपर हमारा विशेष एपिसोड है, आप प्लीज उसको चेक करें तो आपको महसूस होगा कि इस चैनल के ऊपर और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का जो अद्भुत आकलन विश्लेषण है वो कितना मददगार किसानों को और व्यापारियों को होता है। प्याज के अंदर यानी ओनियन के अंदर संभवतः बड़ी मंदी की संभावना अभी नहीं है। तेज बरसात ने प्याज को बहुत नुकसान पहुंचाया है और भारत सरकार द्वारा 2,00,000 टन बफर स्टॉक का प्याज का होने के बावजूद भी प्याज के भावों में जबरदस्त बेताशा वृद्धि दर्ज हो रही है लगभग पिछले एक महीने से। दोस्तों प्याज के अंदर और भी तेजी बाकी है, लेकिन ये और कितनी तेजी रहेगी, जबरदस्त तेजी रहेगी और दुगने तिगने भाव होंगे या पिछले साल अक्टूबर 2020 के भाव की जो किसान सोच रहे हैं क्या वो होगा, उसके लिए भी आप हमारे एपिसोड्स को देखते रहिए और विशेषकर इस पे ध्यान अवश्य दीजिए। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट। आज 6 अक्टूबर 2021 स्टॉक मार्केट पर क्या संभावना है? स्टॉक मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन आप सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखें, निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ नजर नहीं डाल के स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो आपको लाभ कमाने की स्थिति अधिक रहेगी। आप नजर रखें ONGC पर। हाँ, कल भी हमने आपको ONGC पर बात की थी, अच्छी मूवमेंट दिया, 10% की तेजी थी कल भी। आज भी आप जो ONGC पे रखिए नजर, ऑयल एंड गैस की सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी, जबरदस्त मुनाफा दे सकती है क्योंकि नेचुरल गैस के दाम पूरे विश्व में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ONGC नेचुरल गैस का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है भारत के अंदर, उस पर नजर रखिए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे भी नजर रखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त होटल यानी हॉस्पिटलिटी स्टॉक जो है
जैसे क्योंकि कोविड 19 का जो पेंडेमिक है उसके ऊपर लगभग सभी रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं, तो ताज जीवी के, इंडियन होटल, इन पे आप नजर रख सकते हैं, इनके अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप छोटे कारोबार, छोटी अवधि के कारोबारी हैं तो मुनाफा तुरंत वसूल कर लें। अब क्या संभावनाएं बनती है नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर, बुलियन के अंदर आज उतार चढ़ाव रह सकता है, अतिरिक्त सावधानी पूर्वक ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों याद रखिए, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, एग्रो कमोडिटीज क्षमताओं के आधार पर काम करना बहुत जरूरी है। 2-3% से ज्यादा बिल्कुल स्टॉप लॉस या 2-3% से ज्यादा नुकसान कभी ना झेले यदि छोटी अवधि के आप व्यापारी हैं तो। एक और महत्वपूर्ण बात, ये सभी जानकारी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आपके द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। नफा नुकसान या कोई भी कारोबारी निर्णय लेने से पहले स्वयं का अध्ययन, विवेक और अपने सलाहकार से भी जानकारी ले सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।